नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। बिहार में कोरोना संक्रमण को देखते हुए अगले 6 फरवरी तक पाबंदियां लगा दी गई हैं। आपको पता है दूसरी गाइडलाइन जारी हो चुकी है और इस गाइडलाइन के तहत राज्य में कोरोना को लेकर पुरानी गाइडलाइंस जारी रहेगी, यानी जो पहले पाबंदियाँ लगाई गई थी 6 फरवरी तक वो जारी रहेंगी। शादी ब्याह अंतिम संस्कार पर भी कोई छूट नहीं मिली है। बिहार में कोविड की तीसरी लहर पीक से लौटने के संकेत मिले हैं। 2 दिन में नए केस में 24% की कमी आई है। 3,475 नए मरीज मिले हैं और 7,277 मरीज स्वस्थ हुए हैं। तो सरकार का कहना है कि स्वस्थ होने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बीमार पड़ने वालों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। बिहार में संक्रमण दर 2.74% से गिरकर अब 2.30% हो गई है। तो सरकार राहत का सांस ले रही है, लेकिन कोई छूट नहीं दी गई है पाबंदियों में। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में आज 3,475 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बीते 24 घंटे के अंदर पूर्व से संक्रमित रहे 7,277 मरीज कोरोना पर विजय पा चुके हैं। कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से गुरुवार को और 6 लोगों की मौत हुई है, ये दुखद खबर है। राज्य में अब सक्रिय मामले घटकर 26,673 रह गए हैं। पटना जिले में भी संक्रमण दर में गिरावट आई है और बुधवार को पटना के संक्रमण दर 12.36% थी, जो घटकर 10.81% हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कोविड की पहली, दूसरी और तीसरी लहर मिलाकर राज्य में अब तक 8,02,742 संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें से अब तक 7,63,906 संक्रमितों ने कोरोना को हरा दिया है। प्रदेश में वर्तमान में सक्रिय मामले लगभग 26,673 रह गए हैं। तो बहुत चिंता की बात नहीं है, लेकिन सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 1,51,253 सैंपल की जांच हुई है। राज्य के साथ पटना जिले में भी कोरोना संक्रमण के नए मामले कम आए हैं और गुरुवार को पटना जिले से केवल 745 नए मामले सामने आए हैं। इसके पहले बुधवार को 999 मामले सामने आए थे। संक्रमण के नए मामलों में दूसरे स्थान पर समस्तीपुर है, जहां 287 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को प्रदेश में जितने नए केस मिले हैं उससे 2 गुने संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। तो ये राहत वाली खबर है, लेकिन सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो जो कोरोना का ये वेरियंट है ओमिक्रॉन काफ़ी तेज़ी से फैलता है, तो अगर सावधानी बरतेंगे तो मानकर चलिए कि फरवरी के पहले सप्ताह तक सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। अगर हमने लापरवाही बरती तो बहुत लंबा खींच सकता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि लोगों को पता चले कि कोरोना का जो संक्रमण है उसे रोकने के लिए आपको सतर्क होना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा और जो कोरोना का गाइडलाइन है उसका पूरी तरह से पालन करना होगा।